हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कब्जा किसी भी प्रॉपर्टी पर 12 साल से अधिक का हो चुका है तो क्या वो प्रॉपर्टी उस पर आपका मालिकाना हक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 में और कुछ 2018 में भी जो कुछ आदेश ऑर्डर आए थे तो उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है लोगों के माइंड में। लोग ये समझ बैठे हैं कि अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी पर 12 साल कब्जा कर लेंगे और 12 साल तक उस पर काबिज रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उस पर उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। हो सकता है कि ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आपका भी हो, तो उस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और मैंने ऑर्डर पढ़े हैं, मे बी हो सकता है कि मैं इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी कॉपी भी शेयर कर दूं, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आखिर सही तरीका क्या है, क्या वाकई में जो कब्जा की हुई प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक मिल जाता है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका उसका टाइटल किसी के पास नहीं है, ठीक है, उसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और उसका अगर कोई भी विरोध नहीं करता है, उसका कोई भी कोर्ट में केस अगर नहीं पहुंचता है उसका उसके अपोजिट में, तो मे बी आप 12 साल के बाद कोर्ट में, ठीक है, उस पर मालिकाना हक के लिए आप दावा दायर कर सकते हैं और मे बी उस पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, कोर्ट आपको मालिकाना हक दे देगा। लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक रखता है, ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं, 12 साल आपको हो जाते हैं, ठीक है, अब या फिर 12 साल से भी ऊपर का समय निकल जाता है, तो ऐसे मामले में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए, जो भी उस प्रॉपर्टी का टाइटल रखता है, मालिकाना हक रखता है, वो जब चाहे तब उसको खाली करा सकता है, उसको राइट भी है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि जो बंदा, जिस व्यक्ति ने 12 साल से अधिक का समय हो चुका है उस किसी की भी प्रॉपर्टी पर रहते हुए या फिर अब उस पर काबिज होते हुए, उसको भी ये राइट है कि अगर कोई व्यक्ति उसको वहाँ से निकाल रहा है, उसका मालिक, तो वो कोर्ट से मदद ले सकता है। इस चीज़ को भी आप समझिए, मतलब कि अगर आपको 12 साल हो चुके हैं किसी भी प्रॉपर्टी पर काबिज हुए, उस अपने कब्जे में रखे हुए, और अचानक मालिक आया बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी छोड़, तो आप कोर्ट में जा कर के हेल्प ले सकते हैं, इतनी आसानी से वो आपको नहीं निकाल सकता, ठीक। एक कंडीशन और मैं आपको और बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस पर अगर आप काबिज हो जाते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है और आपको 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, तो उस मामले में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि अगर जिसका मालिकाना हक था वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं। एक कंडीशन ये भी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और आपने उस पर अगर कब्जा कर रखा है, और ऐसे मामले में उस पर अगर कोई केस पहले से चल रहा है और केस चलते चलते और आपको 12 साल से ऊपर का समय हो चुका है, आप सोचें कि ये प्रॉपर्टी अब तो आपकी हो गई, 12 साल हो गए, नहीं, 12 साल का जो पीरियड है इस दौरान किसी भी प्रकार का उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी केस नहीं होना चाहिए, कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, निर्विरोध वो प्रॉपर्टी आपके कब्जे में होनी चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस मामले में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी, उस पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी कोई दुकान, अपना कोई घर, अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर किसी को रेंट पे दे रखी है, किसी के हैंडओवर कर रखी है, उसके कब्जे में दे रखी है, अगर उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो अगर आपको देना ना चाहे और उसको 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, फिर चाहे भले ही उसका आप टाइटल रखते हैं, भले ही उसका आप मालिकाना हक रखते हैं, अगर उसके 12 साल अगर उसको समय हो चुका है, तो वो भी राइट रखता है कि अगर आप उससे खाली कराना चाहेंगे तो आप इतनी आसानी से उससे खाली नहीं कर सकते। जो भी कब्जेदार है वो इतनी आसानी से उसको खाली नहीं करेगा, मतलब कि वो चाहे तो कोर्ट से भी मदद ले सकता है, कोर्ट में भी इसके अंगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। तो फिर जो 12 साल से जो अधिक का समय होता है, ये बहुत बड़ा रिस्की होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को, मतलब कि रेंट पे कोई घर मकान या कुछ भी देना चाहते हैं, तो मे बी कम से कम समय के लिए दें, मे बी आप 10 साल तक के लिए किसी को रख लीजिए, 9 साल के लिए आप रख लीजिए, ठीक है, तो 12 साल का समय ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप 12 साल रखिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई 10 से ही कम रखो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाती है कि हम सोचते हैं कि अरे 12 साल या 11 साल पे उसे निकाल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो मे बी फिर क्या होता है कि ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हम उस समय केस नहीं कर पाते और वो समय पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर उसका दबा
कंफर्म हो जाता है, वो भी राइट, उसके पास भी राइट मिल जाता है कि फिर उसको आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। वो भी अगर आप निकालेंगे तो वो भी कोर्ट से जाके हेल्प ले सकता है। सो गाइस, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कब्जे को लेकर के, कब्जे पर मालिकाना हक पाने को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।